हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे और आपके अपने चैनल द बुकाई पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। हाँ डियर, कुछ लोगों की क्वेरी है कि सिनोनिम डियर वर्डपार में 15 चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वन वर्ड्स, कोलोकेशन, प्रीपोजिशन, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, न्यूज़पेपर वर्ड, होमोनिम्स, होमोफोन्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बस मन लगा के पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, पेशेंस बनाए रखिए। हर एक चीज़ कम्प्लीट वर्ड पावर का मैं सोच रहा हूँ आपको कोर्स दूँ, लेकिन तभी ऐसा हो पाएगा जब आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे एंड आप पूरी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। 100% दी जाएगी चीज़ें, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पहले इतना कंप्लीट करते जाइए, देखिए कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर यूज़फुल है तो डेफिनेटली हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ डेली लेके आते रहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ये राज दो स्लिप है आपके पास, एक नौसिखिया वर्ड की एंड एक स्वादिष्ट मीठे वर्ड की। आइए डिस्कस करते हैं। डियर टायरो, टायरो मतलब होता है नौसिखिया, ये सीजल 2017 में आया था। अब देखिए याद कैसे करेंगे, टायरो, टायरो मतलब नौसिखिया, मतलब जो अनुभवी ना हो, यानी अभी अभी जो सीख रहा हो चीज़ों को। तो देखिए डियर कैसे याद करेंगे, मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गई, हम किसी मिस्त्री के पास गए और आधे घंटे से वो गाड़ी का टायर ही निकाल रहा है और वो निकाल नहीं पाया, तो आप बोल सकते हो एक ऐसा आदमी जिसे टायर बदलना भी ना आए तो वो क्या है, नौसिखिया है। तो आप उससे पूछे भी, उसने कहा भी हाँ आज ही तुम दुकान ओपन किए हैं। तो टायरों मतलब नौसिखिया, जिस आदमी को टायर बदलना भी ना आए वो आदमी कैसा होगा, नौसिखिया होगा। नेक्स्ट है एबिशडायरियन, ए बी सी डी ई, जो अभी इंग्लिश में माई डियर जो अभी इंग्लिश में ए बी सी डी ई ये अल्फ़ाबेट सीख रहा हो तो 100% बात है कि वो अभी क्या कर रहा है, ए बी सी डी सीख रहा है, यानी इंग्लिश की दुनिया में नौसिखिया है। तो जो अभी ए बी सी डी सीख रहा है वो इंग्लिश के लिए नौसिखिया है। नेक्स्ट लर्नर, जो अभी चीज़ों को लर्न कर रहा है, यानी अभी सीख रहा है, अल्फ़ाबेट लर्न कर रहा है। अमेच्योर, अमेच्योर को रिलेट करेंगे मैच्योर से, मैच्योर मतलब होता है डियर परिपक्व, मैच्योर मतलब परिपक्व, ये लगाने से उल्टा बन गया था मैच्योर, जो परिपक्व ना हो, जो अनुभवी ना हो, जैसे पैथी मतलब फीलिंग, ए पैथी मतलब उदासीनता, तो उसी तरीके से अमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया, जो मैच्योर ना हुआ हो, यानी जो जिसके जिसे चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ना हो, तो अमेच्योर मतलब नौसिखिया। नेक्स्ट फ्रेशर, माय डियर फ्रेश मतलब ताज़ा हो गया, तो आप देखते हो ना मैच देखते हो तो कहते हो ये फ्रेशर बॉलर है, पहला डेब्यू मैच है इसका, तो फ्रेशर मतलब भी होता है नौसिखिया, जो अभी अभी सीख रहा हो। ग्रीन हार्न ये ईडियम है, देखिए याद कैसे करेंगे, ग्रीन मतलब हरी बत्ती और हार्न मतलब हार्न, तो एकदम परेड ग्राउंड में जहाँ कोई भी नहीं है, एकदम उजाला भी है, फिर भी वहाँ पे कोई हरी बत्ती जला रहा है और हार्न मार रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको अभी ड्राइवरी करना आता नहीं है, वो सीख रहा है, तो ग्रीन हार्न मतलब भी नौसिखिया। बिगिनर को रिलेट करेंगे डियर बिगिन से, जो अभी अभी बिगिन किया हो, शुरुआत किया हो, तो नौसिखिया ही होगा। नो वॉइस, नो मतलब नहीं, और वॉइस को रिलेट कर लेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जिस व्यक्ति को एक्टिव पैसिव नहीं आ रही है वो क्या है, इंग्लिश में नौसिखिया है, इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता है तो वॉइस तो आनी चाहिए थी, लेकिन नो वॉइस उसको ना तो एक्टिव वॉइस आ रही है ना तो पैसिव वॉइस आ रही है, तो वो क्या है, नौसिखिया है इंग्लिश की दुनिया का। कैलो, कैलो मतलब ही नौसिखिया, माय डियर जैसे मम्मी को हमने दे दिया मोबाइल और कहा, मम्मी ने कहा बात करा दो, दीदी से बात करना है, तो हमने उनको मोबाइल दे दिया और कहा कि मम्मी आप बात कर लेना, लेकिन मम्मी कॉल करने में क्या थी, लो थी, मतलब कॉल तक नहीं लगा, या आपने कोई कोड वगैरह डाला था, मम्मी खोल नहीं पाई, तो आप बोल सकते हो मम्मी आप तो एकदम कैलो हो, कॉल भी नहीं कर, कॉल करने में भी लो हो, कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, इस मोबाइल में तो एकदम नौसिखिया हो, आप चला भी नहीं पा रहे हो एंड्रॉयड मोबाइल, तो कैलो मतलब नौसिखिया। नियो फाइट, नियो मतलब नया, और फाइट को रिलेट करेंगे या 5GST से, तो नियो फाइट जो फाइट में एकदम नया नया आया हो, जैसे एक मूवी आई थी कुश्ती, उसमें राजपाल यादव थे, तो नियो फाइट जो फाइट में नया नया आया हो, यानी फाइट के लिए नौसिखिया होगा। अप्रेंटिस, ये तो सबको पता है, ITI करने के बाद डियर अप्रेंटिस सीखने जाना पड़ता है, क्योंकि आगे वो आदमी को आता नहीं है तो सीखने जाता है, तो नौसिखिया ही तो हुआ। ढीली टेंट, ढीली टेंट को ऐसे रिलेट करेंगे, ढीली टेंट, कोई व्यक्ति था टेंट ढीली लगा दिया, कोई व्यक्ति था टेंट ढीली लगा दिया, इसका मतलब टेंट के बारे में उसको नहीं आइडिया था, अभी अभी वो टेंट की दुकान खोला था, तो ढीली टेंट लगा दिया, मतलब नौसिखिया आदमी था। एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी होता है, अन लगाने से अपोजिट बनता, हमने आपको कल ही कहा था, अन लगा दें, इम लगा दें, डिस लगा दें, ए लगा दें,
इर लगा दें, इम लगा दें, ये सब प्रफिक्स ऐसे हैं जो उल्टा बनाते हैं। तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, अन लगाने से क्या बन गया, अपोजिट, तो अनएक्सपीरियंस जो अनुभवी ना हो। तो इस तरह से डियर आपने देखा 13 वर्ड हम आपको सिखाए। आइए इधर बात करते हैं स्वादिष्ट या मीठा की, तो इसको रिलेट करेंगे सेवरी, ये शायद हम पीछे कराए भी थे, सवरी से रिलेट करेंगे। सवरी के वर्ड जूठे थे पर मीठे थे यानी स्वादिष्ट थे। लस्सीस को रिलेट करेंगे डियर लस्सी से, लस्सी कैसी होती है, स्वादिष्ट होती है या मीठी होती है। जूसी को रिलेट करेंगे जूस से, जूस कैसा होता है, स्वादिष्ट या मीठा होता है। यमी बिस्किट, 5 रुपए का बिस्किट आता है, तो बिस्किट कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। या दूसरा मेथड, अम्मी के हाथों की सब्जी कैसी होती है, मीठी या स्वादिष्ट होती है। सब्जी कैसी होती है, टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। इसको रिलेट करेंगे डियर डेलीशियस, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, ऐसे रिलेट करेंगे। दे भाई लीची आ रही है, दे भाई लीची, यानी दे भाई लीची और दे दे लीची, तो बड़ी स्वादिष्ट या मीठी है। तो डेलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट या मीठा। दे भाई लीची, लीची कैसी है, स्वादिष्ट है। नेक्स्ट है आपका डल सेट, रिलेट करेंगे डियर डल सेट को, स्वादिष्ट या मीठा। तो दल से, तो दाल से, मान लीजिए आपके मैम साहिबा ने दाल बनाया और आपने कहा दाल से तो आज एकदम स्वादिष्ट दाल बनी है, स्वाद आ रहा है, तो दाल से आज क्या मीठी या स्वादिष्ट दाल की खुशबू या मीठी दाल लग रही है या स्वादिष्ट दाल, दाल से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, ऐसा कुछ। अगला डियर टूथसम, टूथसम मतलब भी स्वादिष्ट, तो रिलेट ऐसे करेंगे टूथपेस्ट से। तो देखिए कुछ सम मतलब कुछ, टूथपेस्ट ऐसे आते थे जिसमें मीठे, जैसे कोलगेट आपका था शुरू में, तो बच्चे क्या करते थे, टूथपेस्ट को ही खा जाते थे क्योंकि वो स्वादिष्ट या मीठा लगता था। अब इन दोनों वर्ड की हम बात करें तो दोनों में कॉमन बात है टेबल एंड टेबल। तो गाँव में घरों में जाते हो आप लोग, जैसे रक्षाबंधन में गए होगे तो आप लोग, भैया घर में होता क्या है कि टेबल में हम लोग सजा के सब लोग खाना खाते हैं, तो टेबल में कोई ख़राब खाना तो खाएगा नहीं, स्वादिष्ट ही खाना खाएगा। तो डिलेक्ट टेबल और पहला टेबल, दोनों में टेबल टेबल आ रहा है, तो टेबल में हम लोग स्वादिष्ट या मीठा खाना खाते हैं, तो डिलेक्ट टेबल या पहला टेबल मतलब स्वादिष्ट। डियर तेज इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, आराम से अगर आपको एक बार भी नहीं समझ आता एक बार पीछे करके देखें, 100% सारी चीज़ें 100% तैयार हो जाएंगी, यकीन रखिए, भरोसा करिए और पढ़ते रहिए, 100% चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, इम्प्रूव 100% होगा, मन और शिद्दत लगा के पढ़िए, 100% इम्प्रूव होना ही होना है। थैंक्स।